हमने अब कसार देवी मंदिर में माता के दर्शन कर लिए हैं, भगवान शिव के दर्शन कर लिए हैं, स्वामी विवेकानंद की गुफा देख ली है और अब हम चल रहे हैं कोसानी। और मौसम भी बहुत सुहावना हो गया है, लग रहा है कि बहुत तेज बारिश आने वाली है और बादलों की गड़गड़ाहट तो आपको सुनाई दे रही होगी। तो चलिए मौसम को एंजॉय करते हुए कोसानी की तरफ। अब हम कसार से 12-13 किलोमीटर आगे आ गए हैं और कोसानी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में अल्मोड़ा सिटी मुझे दिखाई दी और बहुत ही सुंदर लग रही है। देखिए पूरी सामने पहाड़ी पर अल्मोड़ा सिटी है, बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं कोसानी की तरफ। अब हम कहाँ जा रहे हैं? कोसानी। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पता है ये? अब हम जा रहे हैं बागेश्वर जिले में। और जहाँ हम कसार थे, कसार था हमारा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और हम उससे पहले मुक्तेश्वर थे। मुक्तेश्वर कौन से डिस्ट्रिक्ट में था? नैनीताल। ठीक है। और जहाँ कोसानी है ये अल्मोड़ा से 53 किलोमीटर की दूरी पे है। और सबसे मेन बात पता है क्या है, यहाँ कोसानी से जो नंदा देवी पर्वत की चोटियाँ हैं जो बर्फ से हमेशा ढकी रहती हैं वो बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। और कोसी और गोमती नदियों के बीच में बसा है ये कोसानी। कोसी और गोमती और जो पिंगनाथ की चोटी है उसके ऊपर मेन सारा कोसानी बसा हुआ है। और एक सबसे मेन चीज, इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, लेकिन किसने ये नाम दिया पता है? नहीं। आपको पता है? सात्विक। किसने नाम दिया? नहीं पता। गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने मिनी स्विट्जरलैंड। महात्मा गांधी जी यहाँ रहे थे कुछ दिन आकर, आश्रम भी है उनका यहाँ पे एक कोसानी में। अनाशक्ति आश्रम है उनका, उनके आश्रम का नाम है अनाशक्ति आश्रम। और यहाँ कोसानी की काफी चीजें फेमस है। सबसे मेन चीज जो यहाँ की फेमस है वो है चाय। यहाँ टी एस्टेट लेकर चलेंगे चाय तो हम ना इनकी यहाँ से, लेकिन और भी कई चीजें फेमस है यहाँ की, जैसे अचार, औषधियाँ, चौलाई, लाल चावल, शरबत मिलते होंगे वहाँ पर। हाँ तो ले लेंगे हम यहाँ से, जैम, शहद, शहद लेंगे यहाँ का, पहाड़ी शहद होगा और अच्छा होगा। मधुमक्खियाँ यहाँ पे। और एक सबसे मेन चीज है यहाँ की, अगर आपको कुमाऊनी खाने का स्वाद अपने घर लेके जाना है ना तो दो चीजें मत ले जाना भूलना, पता है वो क्या है? मंडुए का आटा और वो गोहत की दाल। मंडुए का आटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथ? मंडुआ पता है? नहीं इंग्लिश नहीं, हिंदी नाम है वो तो शायद। हाँ मंडुए का आटे को हम मतलब हम नॉर्थ में क्या बोलते हैं? रागी। नॉर्थ नहीं, हमारे यहाँ पे रागी का आटा होता है ना, उसको मंडुए का आटा बोलते हैं। रागी को इधर यहाँ पहाड़ों में मंडुआ बोलते हैं। मंडुआ सर्दियों में खाया जाता है, पहले से ये काफी गर्म होता है, घी के साथ में, देसी घी के साथ। और एक यहाँ पे पहाड़ों में एक चटनी बनती है स्पेशल, कौन सी चटनी पता है साथ? एक भांग के बीज, अच्छा के बीज और जीरा, जीरे की चटनी बनती है। नहीं यहाँ कल नहीं खाई चटनी हमने। नहीं लेकिन भांग का पौधा एक चीज में और काम आता है जो हमने पहाड़ों में आके सीखा है, बिच्छू घास का दर्द पता है ना, याद है तुम लोगों को? एक चीज और मेन है भाई, भूल गए हम तो। कहाँ किसके बारे में? कोसानी के बारे में जो, अच्छा मैं एक कविता सुनाती हूँ छोटी सी, वो
वो कविता बताना, आपको याद होनी चाहिए, इनको पता नहीं इनको पढ़ी होगी कि नहीं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। कुछ याद आ रही है कविता? कवि कवि कुछ याद आ रहे हो? बचपन में बहुत इनकी कविताएं पढ़ते थे, सिलेबस में इनकी कविताएं काफी आती थी। सुमित्रा नंदन पन, हाँ इनकी कविता है और ये कोसानी उनकी जन्मभूमि है। हाँ यही पैदा हुए थे। भैया मेन चीज तो भूल गए यार, कौन हुए थे सर? तो क्या नाम मैंने क्या बताया अभी? सुमित्रा नंदन पन जी। आशीष तुम्हारे में तो पढ़ाई होंगी यार ये सुमित्रा नंदन पन। अच्छा हिंदी तूने संस्कृत ले रखी है? ओहो ये इधर 9th-10th में जाके तो आती है, इसे संस्कृत ले रखी है। सादिक तुझे हिंदी लेनी है, ठीक है। अरे हमने यहाँ पे वो नहीं लिया, गहत का सूप, गहत ना, गहत का सूप, वही जो दाल बनती है उसका सूप होता है। और ना ही डुबके खाए भाई, भटके डुबके, भटके डुबके में पता क्या होता है? चावल और भटकी, भटको पूरी रात भिगो देते हैं। अच्छा इसको पूरी रात भिगो देते हैं, फिर उनको पीस कर पानी के साथ नमक डालकर पकाए जाते हैं। साथ एक झोली तो खाई थी हमने, क्या था झोली तेरे को सबसे ज्यादा पसंद आई थी? हमने वहाँ पर खाई थी मुक्तेश्वर वाले गाँव में, कड़ी बोलते हैं, चावल को बोलते हैं भात। जोली भात खाया था ना? जोली भात वो भी नहीं खाई भाई, झंगोरे की खीर, लाल चावल की खीर। ये पूछेंगे यहाँ पर, पहाड़ों में आओ यहाँ और ये चीजें ना खाओ। लाल चावल भी ले चलेंगे यहाँ से, काफी फेमस है यहाँ के लाल चावल, हेल्दी होते हैं लाल चावल, रेड राइस यहाँ मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं ना, वो तो अधिकतर रेड राइस खा जाते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट वाले। उत्तराखंड के काफी गांव के गांव खाली हो चुके हैं। उत्तराखंड के काफी गांव के गांव खाली करें क्या ये लोग बताओ? जमीन नहीं है क्या यहाँ पर? खेती करें क्या करें? सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, एजुकेशन नहीं है इतनी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। सोमेश्वर 5 किलोमीटर, कोसानी 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर रह रहे हैं। एक तो कहीं तो संस्था बनी हुई है जो लोग कहते हैं चलो घर वापसी, घर वापसी के नाम से है, जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो खाली हो गए ना लोग, पूरे गांव के गांव खाली हो गया, वो वहाँ वापसी मतलब लोग वहाँ पे आए और बसे। लेकिन फिर उनका कुछ सोर्स ऑफ इनकम भी तो होना चाहिए ना? हाँ चलते रहे हैं अपना एग्रीकल्चर, नई नई टेक्निक से एग्रीकल्चर, नई नई टेक्निक ला रहे हैं एग्रीकल्चर में ताकि वहाँ का उनकी इनकम बढ़ सके। हाँ जैसे यहाँ पर है अभी, यहाँ देखो क्या मतलब इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, खेती, थोड़ी सी जमीन है जितना हम खाली अपने घरों में साइडों में छोड़ देते हैं फूल लगाने के लिए, इतने इतने में खेती कर रहे हैं।
नीचे देखे हो। तो उसमें कितना होता है, क्या क्या बेचारे खुद खाएंगे और क्या बेचेंगे? अभी हम कोसानी से 5-6 किलोमीटर पहले हैं, लेकिन जो रास्ते में व्यू आया, ये लैंडस्केप आई, इसको कैप्चर करे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। ये देखिए नीचे, मतलब इसे हम एग्रीकल्चर ब्यूटी भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं लग रहा किसी आर्टिस्ट ने अपनी आर्ट बनाई है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से डिवाइड कर रखा है। ये है धान की खेती। हमारे हरियाणा पंजाब में तो धान की खेती बहुत होती है, लेकिन पहाड़ों में बहुत ही कम देखने को मिलती है। और आप ये बिल्कुल देख सकते हैं, इतनी सुंदर है, कुछ भी कह सकते हैं कि मन को लुभाने वाली या आँखों को सुख देने वाली। और ये जो ये बीच में ये रिवर है यहाँ की, तो इसकी वजह से भी ये एरिया काफ़ी धान के लिए उपजाऊ है। और बहुत ही सुंदर लैंडस्केप है, अलग ही ब्यूटी है यहाँ की। अभी हम जितने लैंडस्केप पीछे देख कर आए हैं उससे बिल्कुल अलग ही है। अब हम आ गए हैं कोसानी में, और आज हमने जो स्टे करा है वो करा है यहाँ पर हेरिटेज रिसोर्ट में, जो बहुत ही सुंदर है और अच्छे से इन्होंने मेंटेन करके रखा है। और सबसे मेन चीज़ व्यू, आपको पीछे दिख रही होंगी थोड़ी लाइट्स, जो छोटे छोटे आपको सितारे चमकते हुए दिख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैं तो हर जगह के व्यूज़ अच्छे बता रही हूँ, क्या करूँ? जहाँ भी हम इस कुमायूं रीजन में जा रहे हैं उत्तराखंड में, तो हर जगह के व्यू एक से एक सुंदर है। आप सोचते हो जहाँ पर भी जाओगे ये व्यू बेस्ट है, आप नेक्स्ट में जाओगे अरे यार ये तो उससे ही बेस्ट है। तो आप कुमायूं रीजन में आँख बंद करके आइए, अगर आप नेचर लवर हैं, आपको व्यूज़ चाहिए, यहाँ के हर जगह की व्यूज़ अल्टीमेट हैं। तो चलिए अभी मैं आपको नाइट व्यू दिखाती हूँ और अपने रूम का टूर कराती हूँ। बाकी मैं कंप्लीट कल दिन में कराऊँगी, क्योंकि नाइट में थोड़ा सा कई एरियाज हम ज़्यादा से नहीं मैं दिखा पाऊँगी, कैप्चर कम होगा हमारे। तो चलिए फिर हम इस रिजॉर्ट में सबसे पहले वेलकम हमारा कर रही है ये ब्यूटीफुल लेडी, और इनके बालों से तो मुझे बहुत जेलस हो रही है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम ऊपर चलते हैं। वाह, ये देखिए व्यूज, और देखिए चांद भी मुस्कुरा रहा है बादलों के बीच में, बहुत ही प्यारा लग रहा है इस टाइम। बहुत खुश है, आइए हमारी रूम का टूर करवाते हैं। चलो आज साथी बताओ, पहले नीचे का आशी, आशी को कहाँ सोना है, ऊपर की नीचे? नीचे नीचे। ओहो इतना स्वीट सा बेड है ऊपर, बताओ आज कोई कोई ये जो इसका वर्क है वो मुझे बहुत पसंद आया है, और ऊपर का बेड मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है छोटा सा। पर इन दोनों में कोई भी ऊपर नहीं सोना चाह रहा, आज मैं सोती हूँ। चलो नहीं चलो चलो ऊपर ऊपर आ जाओ, साथ ही करवाएगा। जाओ तो ऊपर जाओ। आ जाइए ये छोटी सी सीढ़ी। और ये एक कदमदार बेड,
और अब जो आप सामने देख रहे हो, चांद बादलों के बीच में और टिमटिमाते हुए तारे चारों तरफ नजर आ रहे हैं। इसी ओपन नेचर में हमने अपना डिनर फिनिश किया और डिनर करते करते मून का टाइम लैप्स भी बनाया, और इसी टाइम लैप्स के साथ आप सबको छोड़कर जा रही हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। वाव, दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर।